नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं हमारे पास एक है ये 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप 12 वोल्ट बैटरी से मनचाहा वोल्टेज ले सकते हैं। भाई ऐसा नहीं मनचाहा कि 12 वोल्ट बैटरी से आप 40 वोल्ट ले सकते हैं, 12 वोल्ट से कम जो भी वोल्टेज आपका 10 वोल्ट 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट 5 वोल्ट कैसे ले सकते हैं, वो भी बिना किसी रेगुलेटर के। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टोटल आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मनचाहा वोल्टेज इससे ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो जो आज की वीडियो में मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को आप 12 वोल्ट बैटरी 6 वोल्ट बैटरी 9 वोल्ट बैटरी किसी में भी आप अप्लाई करके और मनचाहा वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे चलाने की मतलब वोल्टेज मनचाहा लेने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको ले लेना इस तरह से डायोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लिया है वो 1N4007 का डायोड लिया है। यहाँ एक डायोड का मतलब कई डायोड आपको ले लेना है और सभी को आपको सीरीज में जोड़ लेना इस तरह से, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने जोड़ा है। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक डायोड का यहाँ एनोड है तो दूसरे डायोड का ये एनोड है, इसका कैथोड दूसरे के एनोड से जुड़ा हुआ है, फिर इसका कैथोड दूसरे के एनोड से जुड़ा हुआ है इस तरह से, यानी ऐसे यूं आप समझें कि इसका व्हाइट पट्टी इसके ब्लैक पट्टी से जुड़ा है, इसका व्हाइट पट्टी इसके ब्लैक पट्टी से, इस तरह से हम सभी को सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डायोड इसके साथ में जोड़ लेता हूँ चूँकि हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ दो डायोड मैं और यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, इसका लेग थोड़ा थोड़ा यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब इसे जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ व्हाइट पट्टी इस साइड में है, तो जो इसके साथ में डायोड को अटैच करूँगा इसका जो ब्लैक वाला साइड है वो अपने डायोड के साथ यहाँ पे मैं जोड़ने वाला हूँ। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो ये आपका सीरीज में जुड़ता चला जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी को सीरीज में जोड़ दिया, यहाँ पे जो मैंने जोड़ा देखिए यहाँ इस साइड में व्हाइट पट्टी है, इसका ब्लैक पट्टी इसके व्हाइट पट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से इसका ब्लैक पट्टी इसके व्हाइट पट्टी के साथ जुड़ा हुआ, इस तरह से मैंने यहाँ पाँच डायोड जोड़े हैं। आप इसको और ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, पाँच नहीं बल्कि यहाँ छः डायोड है। ठीक है, छः डायोड है, आप और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो अब आइए इसे प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से आपका काम करेगा, कैसे आपको मनचाहा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ सोल्डिंग न करके इसका जो ये क्लिप मतलब है लगा हुआ ढकने के लिए, इसको इसी में मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे मैं यहाँ एक वायर ले लेता हूँ और चिमटी से यहाँ पे इसको टच कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं मल्टीमीटर लूँगा और मल्टीमीटर लेके और यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे कि हमको मनचाहा वोल्टेज मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेके हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा बैटरी कितने वोल्ट सप्लाई दे रहा है। तो इसके लिए देखिए एक बार सीधा कर लेते हैं यहाँ पे और इसका सप्लाई प्रॉपर चेक कर लेंगे कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो देख सकते हैं 12.54 वोल्ट यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज है। ठीक है, तो अब हमें इसे चेक करने के लिए मनचाहा अपना वोल्टेज जो है यहाँ देखिए ब्लैक वाले को मैं लगा लेता हूँ यहाँ ब्लैक वाले वायर से, और यहाँ पर हमारा जो सप्लाई है 12.54। ठीक है, ठीक इसके सामने जब आएंगे दूसरे मतलब डायोड के यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 12.14, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 11.  यहाँ थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, 11.70, इसके आगे वाले डायोड पे आप चेक करेंगे तो 11.30, इसके और आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 10.91, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.58, इसके सामने एक और डायोड पे चेक करेंगे तो 10.33। तो यहाँ पे आप और अगर डायोड इसके साथ जोड़ देते हैं 2-4-10 डायोड और जोड़ देते हैं तो आपका ये वोल्टेज मान के चलिए आप 3 वोल्ट तक का सप्लाई इससे ले सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको इस बैटरी से 10 वोल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो 10 वोल्ट की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, जो ब्लैक वाला वायर है अपने बैटरी के माइनस वाले पॉइंट से डायरेक्ट उसे जोड़ देंगे, और जो यहाँ 10 वोल्ट आपको चाहिए तो जिस डायोड पर आपको 10 वोल्ट के आसपास मिल रहा है वहाँ पर अपना दूसरा प्लस वाला वायर जोड़ देंगे। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको चाहिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ 10.5 वोल्ट से ऊपर चला जा रहा है तो यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर 11 वोल्ट चाहिए
तो 11 वोल्ट के लिए यहाँ इस, हाँ देखिए 11 वोल्ट के लिए यहाँ आप जोड़ देंगे तो आपको लगभग 11 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिना रेगुलेटर के और अपने बैटरी से मनचाहा वोल्टेज बना सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते में बिना किसी रेगुलेटर के। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं डायोड का नंबर बता देता हूँ, यहाँ मैंने जो लगाया है 1N4007, आप इसकी जगह पे 1N5408 डायोड भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।